बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार लगातार सवालों के घेरे में। केंद्रीय मंत्री कार्तिकेय सिंह के बाद अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी विवादों में आ गए हैं। सुधाकर सिंह पर 2013 में करोड़ों रुपए के चावल का गबन करने का आरोप है। वही घोटाले का केस नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ही किया था। हालांकि सुधाकर सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया है। दरअसल सुधाकर सिंह आरजेडी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। वर्तमान में वे बक्सर की रामगढ़ सीट से विधायक हैं। 2013 में नीतीश कुमार के शासनकाल में ही उन पर चावल गबन करने के आरोप लगे थे। सुधाकर सिंह के खिलाफ रामगढ़ थाने में केस दर्ज है। आरोप के मुताबिक सुधाकर सिंह की राइस मिल ने सरकार से चावल प्रोसेसिंग का एग्रीमेंट किया था। जो सरकार की तरफ से चावल आया उसका उन्होंने गबन कर लिया। इस घोटाले में 80 से ज्यादा FIR दर्ज हुई जिसमें कई आरोपी बनाए गए थे। मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा, यह आरोप सही नहीं है, इस पर फैसला कोर्ट करेगा। अब तक की सुनवाई हमारे पक्ष में है। उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि राइस मिलों को जो चावल प्रोसेसिंग करने के लिए मिला था उसे वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार की लापरवाही है कि उसने चावल वापस नहीं लिए। कृषि मंत्री ने कहा कि जो लोग आरोप लगाने वाले हैं वे खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। हाईकोर्ट के निर्णय को देखना चाहिए, आरोप लगते रहते हैं। सार्वजनिक जीवन में जब व्यक्ति आया है तो उस पर आरोप लगेंगे ही। आरोप के पीछे जो तथ्य है उसे भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव में एक कहावत है, कौवा कान ले गया तो हम कान को देखेंगे या कौवा को। उन्होंने आगे कहा कि जिस समय यह केस दर्ज हुआ उस समय बिहार में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार थी। बीजेपी के लोग कागज देखे बिना हल्ला कर रहे हैं। यह केस बीजेपी के समर्थन वाली सरकार के काल के हैं। उनको जितनी कार्रवाई करनी थी वे कर चुके हैं। बता दें कि नीतीश कैबिनेट में कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार सिंह भी विवादों के घेरे में है। आरोप है कि अपहरण के केस में उन्हें 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन वे अदालत जाने के बजाय मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था। दरअसल साल 2014 में एक शख्स का अपहरण हुआ था। इसी अपहरण के मामले में बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी आरोपी है। बता दें कि कृषि मंत्री सुधाकर का कैरियर बेहद ही दिलचस्प रहा है। बिजनेसमैन से विधायक और मंत्री बनने के सफर में सुधाकर सिंह ने काफी उतार चढ़ाव देखा है। साल 1995 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद शुरू में मंत्री सुधाकर सिंह का झुकाव नौकरी की ओर हुआ, लेकिन जिंदगी ने अचानक मोड़ ले लिया और उन्होंने गांव का रुख किया, जहां वो राइस मिल के व्यवसाय से जुड़कर बाइक से गांव-गांव घूमकर किसानों से धान की खरीद शुरू की। सफलता कदम चूमती गई और युवा उद्यमी की टीम बनती गई। इस क्रम में सुधाकर बिहार राइस मिल संघ के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान जगदानंद सिंह के बेटे होने की वजह से विरोधियों के निशाने पर भी रहे। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। कुछ दिनों बाद बीजेपी से नाता टूटा तो सुधाकर आरजेडी में सक्रिय होकर जमीन पर काम करने लगे। साल 2020 में राजद सुप्रीमो का आशीर्वाद मिला तो विधानसभा चुनाव लड़े। कांटे के मुकाबले में किस्मत ने साथ दिया और सुधाकर महज 189 मतों से चुनाव जीते। विधायक बनने के 21 महीने बाद बिहार कैबिनेट में कृषि मंत्री बन गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।